हेलो मस्तरंगीज। तो आज सबसे पहले मिली है हमारे क्यूट से फ्रेंड को स्नूपी, जो मनाली में यही होटल में यहाँ पे रहता है और बहुत ही क्यूट है। जैसे आप देख सकते हो स्नूपी नाम है इसका। सो गाइज, आज मनाली में लास्ट डे। अभी हम लोग बस लेने जा रहे हैं जो चंडीगढ़ तक ले जाएगी और हम वहाँ पे कल एक दिन रुकने वाले हैं। और बहुत बड़ा सीन हो गया होली लेके, वो भी हम बताएंगे आपको क्या हुआ है। सो एनीवेज, वी आर रेडी टू गो नाउ। वील मिस दिस व्यू, दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू एंड इतना अच्छा वेदर, सब मिस करेंगे। बट आप लोग अगर मनाली आ रहे हो तो डेफिनेटली कम टू दिस होटल। अगर आप लोग को पीसफुल कोई जगह चाहिए एंड इतने ही ब्यूटीफुल व्यू चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ आए, गोल्डन एप्पल रिजॉर्ट्स के गेजलिग इन में। ब्यूटीफुल जिससे। सो एनीवेज, लिटिल सैड टाइम बट अभी वेकेशन ओवर, टाइम टू गेट बैक टू वर्क। विवेक, एंजॉयिंग द व्यू फॉर द लास्ट टाइम? टाइम नहीं, हाँ मतलब लास्ट डे है आज। और 100% मैं अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ पे बर्फ होगी, क्योंकि आप व्यू देख सकते हो। अभी ये पूरा खाली है और जब मैं आऊंगा तो फुल 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 आइस होगा और अच्छी खासी आइस होगी। फिर से प्लान कर लिया इसमें, ट्रिप मैंने कर लिया है और मुझे यही आना है। सो रेडी टू गो टू मुंबई, नहीं एक्चुअली चंडीगढ़ और हमारी होली कॉम्प्लिकेशन हो गए। हाँ, वो बताएंगे चंडीगढ़ पहुंच। हाँ, ये एक राज है, राज। हाँ, जो भी एक। सो ठीक है, मिलते हैं। जाने के पहले ये सुंदर दृश्य हमें देखने मिल गया। इट्स अ फुल मून राइट ऑन टॉप ऑफ अ स्नो क्लैड माउंटेन। हाउ अमेजिंग इज दैट? फुल मून है गाइस, क्या अमेजिंग लग रहा है। सो ये पाथ है गेजलिंग इन का, ये होटल है। टाइम नहीं लगाएंगे ना लगेज लाने में? नहीं लगाएंगे। हमारी गाड़ी उधर है पर। से कार आने का रास्ता है। कम कम तो ये हमारे सोनू भाई आ गए, हमारी गाड़ी आ गई। सोनू भाई कैसे हो? ठीक है। नाम बताइए। सोनू वर्मा। सोनू वर्मा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा 8278983551। तो भैया की जो कैब सर्विस है बहुत अच्छी है और बहुत बजट फ्रेंडली है, तो जिस किसी को भी आना हो, हमारा ब्लॉग देख रहा है, वो भैया को कॉन्टैक्ट कर सकता है और भैया बहुत अच्छे हैं, आपको यहाँ के सारे लोकेशन पे घुमाएंगे। तो हम अभी बस में बैठ गए हैं और हम जाएंगे अभी चंडीगढ़। वहाँ पे एक दिन का हॉल्ट है हमारा, उसके बाद फ्लाइट टू मुंबई। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोगों को बेसिकली होली मनाना था बॉम्बे आके, बट टिकट्स के बाद पता चला होली 7 तारीख है और ऑल ओवर इंडिया होली 8 तारीख था। चंडीगढ़ में नहीं हुआ होली उस दिन, छोटी होली भी नहीं थी, तो पता नहीं पूरा एकदम हॉच पॉच हो गया सीन, तो हम होली मना ही नहीं पाए।
तो विवेक अभी निकला है चंडीगढ़ घूमने वही दोस्त के साथ, इवेंट मैनेजर जो हमें मिले थे सोलांग वैली में, इफ यू गाइस रिमेम्बर, राज के साथ ये निकला है। राज भी चंडीगढ़ आया हुआ है। Suraj is going. Hi. So end of the trip. अब घर जाएंगे हम। तो ये होटल में हम रुके थे चंडीगढ़ में, एंड गाइज आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, ये होटल में कभी ना रुके अगर आप चंडीगढ़ में जा रहे हो तो। नाम अभी मैं दिखाऊंगी इसका कि क्या नाम है। डू नॉट वेट इन दिस होटल बिकॉज ये लोग लूटते हैं लिटरली। मतलब एक दिन हम लोग रुके थे, हम लोग से दो दिन का ले लिया था चेक इन चेकआउट टाइम बोल के, ज़रा सा भी एडजस्ट नहीं करते। कितना रिक्वेस्ट करने के बाद भी देवर लाइक नो नो नो। तो ये होटल है, इसमें बिल्कुल ना रुके। दिस इज़ इन जीरकपुर, बिल्कुल भी डोंट डू नॉट गो टू दिस होटल। ये पूरा स्कैमर्स का होटल है, पूरा स्कैम करके आपको एकदम से आपको पैसे ले लेंगे। मतलब बहुत ही बकवास होटल है ये, सच में बोल रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स है इस होटल में, मत रुकना। जीरकपुर में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे गाइज, अगर आपका कभी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हो या तो। चंडीगढ़ तक आप लेट नाइट बस जो आता है वो छोड़ता है एकदम 3:30 बजे, तो डेफिनेटली आपको बहुत होटल्स मिल जाएंगे। ये होटल में तो मत रुकना, और ऑनलाइन बुकिंग कर लोगे अगोड़ा से तो बहुत ही अच्छी बात है। ये गुरुद्वारा के ऑपोजिट है ये होटल जीरकपुर में, और ये लोग बोलते हैं कि टैक्सी ड्राइवर्स कमीशन लेते हैं, ये करते हैं वो करते। टैक्सी ड्राइवर्स तुम्हारे होटल में ले आएंगे तो कमीशन तो लेंगे ही ना, उन पे ब्लेम करते हैं, उनको उनके बारे में बकवास करते हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा ले रहा है, ये सब झूठ, एक नंबर झूठे लोग हैं, स्कैमर्स है। वो होटल में मत रुकना। एनीवेज वो होटल से हम निकल के तो बहुत ही आराम मिला हमें, और हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ एंड बैक टू मुंबई। जीरकपुर से एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड रेट है 600 रुपीज़ अगर आप कैब बुक करके जाते हो तो एयरपोर्ट से। हम लोग को 2 and 4 600 ही पड़ा, बट पिकअप करके भी जब ये लोग होटल तक ड्रॉप किए तब भी 600 ही लिया, सेइंग दैट इट्स अ स्टैंडर्ड रेट। बट आप ओला उबर करोगे एक्चुअली रात को मिलना बहुत मुश्किल है, दैट्स वाई वी हैड टू अग्री, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ड्राइव इन से भी बोलते ये लोग मिल जाता है, बट ड्राइव इन से भी कैब नहीं मिलता है, हमने बहुत ट्राई किया था। तो हमें एयरपोर्ट से जब हम आए थे तभी हमें एयरपोर्ट से ही एक बहुत ही हेल्पफुल इंसान मिल गया था, जिन्होंने अपना कैब का रेट दिखाया, टूरिज्म रेट्स दिखाए, विच वाज नॉट फॉल्स। तो उन्होंने 600 चार्ज किया, सो वी वर लाइक कि ठीक है यही स्टैंडर्ड रेट होगा बिकॉज हर जगह वही लिखा था, और एयरपोर्ट के अंदर से तो 750 बोल रहे थे, हमें बाहर से ही 600 में मिला। तो उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप वहाँ जाए तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड नाउ दैट वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द एयरपोर्ट, द वे टू एयरपोर्ट इज़ सो ब्यूटिफुल, है ना गाइज, बहुत ही अच्छे सड़कें बनी हुई है, अच्छी शहर है। तो ये थे हमारे भैया जिन्होंने हमें ड्रॉप किया। भैया आपकी कंपनी का नाम बताएंगे? मेरा क्लाउड ट्रैवलर्स, सुरिंदर सिंह प्रताप सिंह, मोबाइल नंबर है 6239236132। तो अगर कोई चंडीगढ़ आए तो भैया को कॉल करे, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा,
बहुत रीजनेबल रेट और बहुत अच्छे इंसान है भैया ने हमें अच्छी चीज़ें गाइड की, थैंक यू सो मच भैया। फिर तो ये हमारी ट्रिप की एंड है, हम आ गए हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस गाइज, मतलब बहुत क्लीन बहुत वेल मेंटेन्ड है एंड रियली नाइस एयरपोर्ट, बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने। एंड अभी हम लोग वापस मुंबई जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है और फिर उसके बाद बैक टू वर्क बैक टू द रेगुलर रूटीन। बट आई होप कि आप लोग मनाली के जितने भी व्लॉग्स देखे हैं वो अच्छे लगे हो, क्योंकि हमने पार्ट पार्ट में एक एक दिन पूरा कवर किया है, डिटेल्स दिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द टूर आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो और हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे गाइज। तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम लोग जितना हो सके नंबर्स वंबर्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर ही रहे, बट इनकेस अगर हम कुछ मिस आउट कर रहे तो आप हमें पूछिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, चाहे वो कैब फेयर्स हो या होटल रेट्स हो, सब कुछ वी हैव शेयर्ड इन आवर व्लॉग्स। और अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखा है तो प्लीज़ अब भी जाइए और सारे व्लॉग्स देखिए, आई एम श्योर आप लोग को बहुत मज़ा आएगा वो देखने। व्लॉग के एंड तक बने रहे गाइस, क्योंकि जो डे और नाइट एक साथ देखने मिला वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, सो एंड तक ज़रूर देखना गाइस। तो हम फ्लाइट में बैठ गए, बहुत धीरे बात करनी पड़ रही, बट वी आर ऑन आवर वे बैक टू मुंबई आफ्टर 7 days, 6-7 days बैक टू मुंबई। सो एक्साइटेड टू मीट ऑल माई बेबीज़।